हेलो गाइज, कैसे हैं आप साहब। मैं हूं नीरज और आज हम अपने इस वीडियो में आपको SCL टीच के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको बता देता हूं, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों पर्पज से ट्रेड बताऊंगा कि हम मंडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, डे वन टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहीं देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक ना। अब देखो, अभी मार्केट का ये करेंट लेवल चल रहा है, ठीक ना। अभी मार्केट का ये करेंट लेवल है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस में समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। देखो भाई, जब मार्केट इस लेवल से जाना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट में एक 1070 के आसपास हाई बनाया गाइज। 1070 का हाई बनाने के बाद मार्केट में एक करेक्शन आया, ठीक है ना गाइज। जब मार्केट में एक करेक्शन आया तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर गया गाइज। देखो जब मार्केट इस लेवल पे गया तो फिर से डबल टॉप बनाया गाइज मार्केट। ये देखो, मार्केट ने डबल टॉप बनाया। जब मार्केट ने डबल टॉप बनाया तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिला गाइज। आपको बता देता हूँ, जब जब कोई भी स्टॉक या कोई भी शेयर, ठीक ना, डबल टॉप बनाते हैं, जैसे ये डबल टॉप बना, तब मार्केट में फॉल देखने को मिलता है 95%, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद मार्केट इसी लेवल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट हर हाई बनाते हुए ऊपर जाने लगा। फिर गाइज आप ये देखो, मार्केट एक ट्रिपल टॉप बनाया, क्या, ठीक है, ट्रिपल टॉप बनाया और एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर जा रहा था। मार्केट जब ट्रिपल टॉप बनाया गाइज तो मार्केट में ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। ये ज्यादा फॉल इसलिए नहीं देखने को मिला, अगर देखो मार्केट यहाँ इस लेवल पे डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अगर मार्केट अच्छा खासा फॉल यही लेवल का बनाता ना, तो गाइस जब ऊपर जाता मार्केट तो इसी लेवल को डायरेक्ट ब्रेक आउट टक्कर पाता, ठीक है ना। इतनी बात आई कहानी, क्लियर हुई गाइस। अब देखो, जब मार्केट इस लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो अब आप ये देखो लेवल, मार्केट इस लेवल से ऊपर गया, ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद गाइस इस लेवल पे सपोर्ट लिया मार्केट। सपोर्ट लेने के बाद गाइज फिर से ऊपर गया मार्केट और मार्केट फिर डबल टॉप बनाया। मैं इसके पहले भी बता रहा गाइज, जब जब मार्केट डबल टॉप बनाता है तो 95% मार्केट गिरता है, और यहाँ अभी मार्केट में एक फॉल देखने को मिला अच्छा खासा, ठीक है। जब ये फॉल देखने को मिला तो ये बताओ, डबल टॉप बनाने के बाद फॉल देखने को मिला तो एक अपने को एम पैटर्न देखने को मिला। आप यहाँ भी देखो, जब मार्केट ऊपर गया तो एक एम पैटर्न देखने को मिला, और यहाँ भी देखो एम पैटर्न। जब जब मार्केट डबल टॉप बनाता है और मार्केट गिरता है तो अपने को एम पैटर्न देखने को मिलता है। इतनी कहानी क्लियर हुई गई। अब मैं इन लेवलों को हटा देता हूं, अब मैं कुछ और समझा रहा हूं, ठीक ना। अब आप ये देखो मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट जब इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया गाइज, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहां रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे, फिर मार्केट नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद फिर एग्जैक्ट इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गिरा नीचे, सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर गया। अब आप ये बताओ, यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। ये देखो, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। जब मार्केट हेड इस लेवल को ब्रेकआउट दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने, तो मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं इस लेवल पे मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है गाइज। अब मैं इन लेवलों को हटा देता हूँ और गाइज मैं यहाँ कुछ लेवल ड्रा कर देता हूँ, जैसा कि ये अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल ये हो गया गाइज, और अपसाइड ये लेवल, ये दो गाइज अपना इम्पोर्टेंट लेवल ड्रा हो गए हैं, ठीक है। अब देखो, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे समझने के लिए H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, ये है गाइज अपना H1 टाइम फ्रेम। अब आप ये बताओ, मार्केट जब इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ, इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ तो मार्केट में डायरेक्ट शार्प फॉलिंग देखने को मिली। अब आप ये बताओ, अब मार्केट इस लेवल पे ऊपर गया, एग्जैक्ट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले लिया, और फिर मार्केट में थोड़ी सी फॉल देखने को मिली, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ क्या हो सकता है, अपने पास कंडीशन कितनी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। तो इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। देखो भाई, थोड़ा सा मैं आपको फिबोनाची लेवल भी ड्रा करके दिखा देता हूँ कि अभी क्या लेवल चल रहा है गाइज। देखो, मार्केट में जो रिट्रेसमेंट होता है गाइज, तो मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है 38%, 50%, 61%। गाइज ये देखो, यहाँ 38% के लेवल को ब्रेकआउट दिया और इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और फिर यहाँ मार्केट नीचे आया। तो अभी फिबोनाची काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ गाइज, मार्केट तीन लेवल से गिरता है या ऊपर जाता है। पहला लेवल हो गया गाइज रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा हो गया सपोर्ट लेवल, तीसरा हो गया फिबोनाची लेवल। यहाँ फिबोनाची लेवल काम नहीं किया तो अपना आ गया रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट गिरा। तो अब यहाँ तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो मार्केट इस लेवल पे आए
अब चला जाए यहां से, या मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे और फिर मार्केट नीचे चल जाए, ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन, अभी जिस लेवल पे है मार्केट, यहीं से मार्केट ऊपर चला जाए। मार्केट के पास अभी तीन कंडीशनें हैं, ठीक है ना। इन कंडीशन जानने के लिए अपन चलते हैं 15 मिनट और वहीं देखते हैं कि मार्केट में हम कल क्या ट्रेड कर सकते हैं, मंडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम गाइज। इस लेवल को मैं करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो गाइज, ठीक है ना। अब देखो मोटा मोटा आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मार्केट 1190 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी अपसाइड, और मार्केट 1145 के लेवल को, 1145 के लेवल को डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो एक अपने को अच्छी खासी शार्प फॉलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक गाइज। ये अपना हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, कि मतलब अगर मंडे को इस लेवल को, ना इस लेवल को ब्रेकआउट दे ना इस लेवल को ब्रेकआउट दे, ठीक है ना, मंडे को या मार्केट इस लेवल तक चला जाए या मार्केट इस लेवल तक चला जाए, ठीक है ना। और ट्यूजडे को अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करना होगा तो इस लेवल तक आना होगा, या अप साइड ब्रेकआउट देना होगा तो इस लेवल के ऊपर जाना होगा, ठीक है ना गाइज। इतनी हुई कंडीशन। अब हम देखते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं कि कल के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब आप ये बताओ, एक मार्केट में ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है अपने के लिए, अपने लिए ये लेवल 1172 का अपसाइड के लिए एक अपना अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल है गाइज, ठीक है ना। हम गाइज डाउन साइड के लिए तभी ट्रेड प्लान करेंगे जब मार्केट 1145 के लेवल को ब्रेकआउट दे, तब हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है ना। लेकिन गाइज अपसाइड के लिए अपना ट्रेड रहेगा अगर 1172 का लेवल ब्रेकआउट देता है, क्या 1172 का लेवल ब्रेकआउट देता है तब अपना टारगेट रहेगा 1190 का, ठीक है ना। और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 1160 के नीचे, ठीक है ना। अपसाइड के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो क्या करेंगे। अब दो कंडीशन है, या तो मार्केट में पहले हम गैप अप के लिए बात कर लेते हैं। अभी गाइज चल रहा है 1162 का लेवल, ठीक है ना। अगर मंडे को 1172 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है ना, और फिर 1172 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तब तो अपन ट्रेड लेंगे। लेकिन गाइज 1172 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तब अपन ट्रेड अपसाइड नहीं करेंगे, फिर कल के लिए अवॉइड करेंगे ह्यूज ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग में, ठीक है। और हम डाउन साइड के लिए बात करते हैं, अगर गाइज अप्रॉक्स 1155 के लेवल तक डाउन साइड ओपनिंग होती है, 1155 के लेवल तक डाउन साइड, ठीक है ना, तो अपन एक 1145 के लेवल तक टारगेट देख सकते हैं अगर 1155 का लेवल ब्रेकआउट होता है। अदरवाइज गाइज वेट करिएगा, एक बार 1146-1145 के लेवल तक आने देना, क्या पता 1145 मार्केट में फिर अब जाने लगे, ठीक है ना गाइज। इतनी बात क्लियर हुई। क्या होता है कई बार मार्केट गिरता है और अपने एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से मार्केट में एक फिर मार्केट में रिवर्सल हो जाता है मार्केट में, ठीक है ना गाइज। ये रहा गाइज SCL टीच के लिए ट्रेडिंग सेटअप। अब बताओ गाइज वीडियो कैसी लगी। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो SCL टीच या अदर स्टॉक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हर एक डाउट का सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।